नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक्चुअली में कि अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक है और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है तो कैसे चेक करना है। तो बेसिकली अगर आपके चैनल पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा, तो अगर आप क्रिएटर स्टूडियो खोलिएगा तो जो है सो पहले ही आपको जो है सो बता देगा। जैसे कि हम अगर देखिए अभी यूट्यूब खोल लेते हैं पहले। और जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करते ही अगर जैसे ही क्रिएटर स्टूडियो खोलिएगा सब फर्स्ट में ही आपको बता देगा अगर अगर आपके पास अभी अभी कोई मतलब कोई स्ट्राइक आया है किसी भी तरीके का, कम्युनिटी गाइडलाइंस या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक, तो पहले ही आपको बता देगा कि कम्युनिटी गाइडलाइंस या कॉपीराइट स्ट्राइक आया है। कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आपको एक स्कूल भेज देता है कोई, जहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। उसके बाद जाके जो है आपको जो है सो वो छोड़ता है, मतलब कहने का मतलब कि आपको यूज़ करने देता है क्या कहते हैं बाकी फंक्शंस या फिर कॉपी क्या बोलते हैं क्रिएटर स्टूडियो को यूज़ करने देता है। जब तक आप सारे क्वेश्चन का सही सही आंसर नहीं दीजिएगा तब तक जो है सो आपको छोड़ेगा नहीं। तब तक जो है सो आपको जो है सो पूरा पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, उसके बाद जो है सो सही सही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा और उसके बाद जो है सो आपको छोड़ेगा। ये होता है कॉपीराइट स्ट्राइक के केस में। और कम्युनिटी गाइडलाइंस केस में जो होता है सीधे एक आई एक्नॉलेज का बटन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो हट जाएगा। अब बात है कि अगर आपको चेक करना है एक्चुअली में, एक तो हो गया कि मतलब एक्चुअली में अगर आपके पास चैनल पे आया है स्ट्राइक अभी अभी और आप ओपन किए क्रिएटर स्टूडियो तब की बात, लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्राइक है और तब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितना स्ट्राइक है और कौन कौन है, मतलब उसके उसके रिगार्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए सिंपली आप चैनल में जाइए। क्रिएटर स्टूडियो खोलने के बाद क्रिएटर स्टूडियो खोलना जरूरी है, उसी के अंदर आपको पता चलेगा। इसके सिंपली चैनल में जाइए और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेटस एंड फीचर्स के अंदर ये कॉपीराइट स्टेटस लिखा हुआ है और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्टेटस देख रहे हैं आप मेरे में, यहाँ यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे या और यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ सेकेंड नंबर पे है। इसका मतलब है कि मेरे मेरे चैनल पे जो है सो कॉपीराइट स्ट्राइक भी है और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक भी है, दोनों में एक एक स्ट्राइक है। और मेरे ये स्ट्राइक जो है सो अभी 1 महीने के अंदर हट जाएगा और ये स्ट्राइक हटने में अभी 3 महीना बाकी है। तो अब ये स्ट्राइक अभी अभी आया है, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। वो एक रिएक्शन वीडियो था जिसके कारण जो है सो उनको अच्छा नहीं लगा वो वीडियो, तो जो है सो कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया वो लोग। और ये कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक इसलिए आया था क्योंकि एक कंटेंट था जो कि जिसमें कि जिसका टाइटल थोड़ा मतलब अजीब ढंग से बना लिखा हुआ था, मतलब उस टाइटल में थोड़ा कंटेंट थोड़ा गलत था, तो जिसके कारण जो है सो कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया। खैर तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे चेक करना है। और अगर इसके रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन जानना है, जैसे कि कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे हटा सकते हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे लगा सकते हैं, तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, आप जाके उसे चेक कर लें। और कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड भी वीडियो है मेरे पास, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। और आप तो इसी से इस यही पे एंड करते हैं वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।